नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले माइक्रोटेक का ये स्टेबलाइजर जो कि 5 KVA का है, 5 KVA का स्टेबलाइजर जो कि माइक्रोटेक कंपनी की तरफ से आता है, इसकी तरफ आज हम बात करेंगे फुल डिटेल्स में। तो आज वीडियो पे बने रहो। इस वीडियो में हम फुल डिटेल में बात करेंगे, लगभग 10 मिनट का वीडियो हो जाएगा, फिर भी आप इस वीडियो बने रहो क्योंकि इस वीडियो में आज हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। ये स्टेबलाइजर लगभग मैं 3 साल से चला रहा हूँ, आज इस पर हम फुल डिटेल रिव्यू करेंगे। सबसे पहले इसकी ओवरलुक की बात कर ले, सबसे आगे में आपको मिल जाएगा माइक्रोटेक का ये ब्रांडिंग, यहाँ पे एक स्टिकर टाइप से लगा हुआ है। उसके साथ में आपको मिल जाएगा एक छोटा सा डिस्प्ले जहाँ पे आपको इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दिखेगा। साथ ही साथ इसके बगल में आपको मिल जाएगा एक प्रेस करने के लिए बटन जहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस टू रीड आउटपुट, यानी इसको आप प्रेस करोगे तो इसको आउटपुट वोल्टेज आपको दिखाई देगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 220 वोल्ट दिख रहा है, 220 वोल्ट आपका ये आउटपुट वोल्टेज है। जैसे ये 214 दिख रहा है, ये 214 जो आपको दिख रहा है ये आपका इनपुट वोल्टेज है। जैसे मैं इसको प्रेस करूंगा तो यहाँ पे आपको 221 दिख रहा है जो कि इसका आउटपुट वोल्टेज है जो आपको मेंस पे मिलेगा। उसके साथ ही आपको साइड में मिल जाएगा एक 40 एम्पियर का सी सीरीज का एमसीबी जो कि आप यहां पे देख पा रहे हैं। ये लगभग 40 एम्पियर का एमसीबी है, यहां पे आप देख पा रहे हैं सी सीरीज का एमसीबी है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सी सीरीज का एमसीबी जो कि 40 एम्पियर का है। देखिए मैंने फोकस कर दिया, आप देख पा रहे हैं 40 एम्पियर का एमसीबी जो सी सीरीज का है। ये जो एमसीबी आपका मेंस एमसीबी है, यानी कि जो जब भी करंट आती है सबसे पहले इसी एमसीबी में करंट आती है, उसके बाद ही आपके स्टेबलाइजर में जाती है। यानी कि मीटर से आने के बाद सबसे पहले ये करंट एमसीबी में आती है, उसके बाद ये स्टेबलाइजर में करंट जाती है। यदि इस एमसीबी को आप ऑफ कर दोगे तो इन्वर्टर स्टेबलाइजर आपका बंद हो जाएगा। मैं आपको एक बार बंद करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं एमसीबी पे अभी रख रहा हूँ हाथ, इसको मैं बंद कर दिया। जैसे आपने देखा मैंने जैसे इसे बंद किया तो इसका करंट कट गया, इसको मैं वापस से ऑन कर रहा हूँ। जैसे इसको आप जैसे ही ऑन करोगे इस पर आपको 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा, यानी कि 10 सेकंड के बाद ही आपको आउटपुट मिलेगा, तो आपको मैं दिखा रहा हूँ। चलिए इस एमसीबी को मैं ऑन कर रहा हूँ, मैंने इसे ऑन किया। आग बात देख पा रहे हैं DLY लिखा हुआ है डिस्प्ले पे, इसका मतलब डिले। देख पा रहे हैं 9, 10, 8, 7 हो रहा है, लगभग ये 10 सेकंड तक चलेगा, 10 सेकंड के बाद ही आपको आउटपुट में करंट मिलेगा। 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं जबकि आप यहां देख रहे हैं 216 वोल्ट ये इनपुट वोल्टेज दिखाई दे रहा है। यदि आपको आउटपुट चेक करना हो तो इसको आपको प्रेस करना होगा। जैसे मैंने इसे प्रेस किया 220 वोल्ट आपको आउटपुट दिखाई दे रहा है। हमने इसके आगे की तो पूरी बात कर ली, अब इसके चलिए पीछे हम बात करते हैं, पीछे आपको क्या क्या मिलता है। इस एमसीबी के साथ साथ एक एमसीबी आपको इसके बैक साइड पर भी मिलता है, चलिए उस एमसीबी को देख लेते हैं। उसका कनेक्शन भी देखेंगे कैसे स्टेबलाइजर का कनेक्शन किया हुआ है। हम स्टेबलाइजर के बैक साइड आ चुके हैं, बैक साइड में आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपको माइक्रोटेक लिखा हुआ दिख रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है आपको माइक्रोटेक पावर एफिशिएंट। यहाँ पे देख रहे डिजिटल वोल्टेज स्टेबलाइजर, जहाँ पे लिखा हुआ 2% प्लस माइनस इनपुट वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट से 300 वोल्ट, 5 वोल्ट प्लस माइनस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इसका आउटपुट वोल्टेज स्टेबलाइज मिलेगा, जो कि इसका स्टेबलाइज वोल्टेज है 200 से लेकर 250, मैक्सिमम 300, आपको 250 तक ही मिलेगा। इसका मॉडल नंबर देख लिखा हुआ EML 5090, कैपेसिटी 5 KVA, 230 वोल्ट सिंगल फेज, यानी ये सिंगल फेज ही सपोर्ट करता है, यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल। उसके साथ ही आपको नीचे में यूआर कोड मिल जाएगा जहां पे इसका सीरियल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद आप यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है आपको सी और जी सीरीज का एमसीबी को यूज करना, यदि आपका एमसीबी ट्रिप करता है, यानी कि आप बी सीरीज का एमसीबी यूज करोगे तो वो ट्रिप कर जाता है। मैंने खुद यूज किया हुआ था बी सीरीज का एमसीबी जो कि बार बार ट्रिप कर रहा था, जैसे इसका आउटपुट वोल्टेज रन करता था एमसीबी ट्रिप कर जा रहा था, इसलिए आप सी सीरीज का एमसीबी लगाओगे तो आपका ट्रिप नहीं करेगा। आप देख पा रहे हैं एमसीबी नहीं भी लगाओगे चलेगा, क्योंकि इस पे पहले से ही 40 एम्पीयर का एमसीबी लगा हुआ है इसके फ्रंट पे। फिलहाल मैं आप इसके कनेक्शन को दिखा रहा हूँ, यहाँ पे कनेक्शन में आप देखो लिखा हुआ है एसी इनपुट, यानी आपको यहाँ पे इनपुट करंट देना है। जैसे कि इस वायर पे देख पा रहे हैं ये वायर है आपका, ये फेज वायर है, ये न्यूट्रल वायर है जो कि इसको इनपुट मिला हुआ है, बाकी इसको आउटपुट आपको यहाँ से मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है एसी आउटपुट, जहाँ पे लिखा हुआ है न्यूट्रल और फेज, यानी कि आपको एक तरफ न्यूट्रल एक तरफ फेज मिलेगा। यदि आप इस साइड में कैसे क्या होता है, जैसे मान लो इनपुट वोल्टेज में आप फेज इधर लगा दो न्यूट्रल इधर लगा दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप किसी तरह भी लगा सकते हो क्योंकि ये एसी करंट है। आपको बस इस बात का ध्यान देना है कि एसी इनपुट में ही इनपुट डालना है, ना कि आउटपुट में इनपुट डाल देना है। आपको इनपुट में यहाँ पर लिखा हुआ एसी इनपुट, इनपुट में आपको मेंस करंट डालना है, यानी कि जो मीटर से करंट आएगा डायरेक्ट आपको इसमें जोड़ देना है, उसके बाद जो आउटपुट होगा आपको यहां से मिल जाएगा। उसके बाद आप इन्वर्टर पर लगा सकते हो या फिर जो भी अप्लायंस लोड डालना चाहते हो लगा सकते हो लोड पे। आगे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे ये स्टेबलाइजर किसके लिए बेस्ट है, किसके लिए स्टेबलाइजर नहीं है।
देखिए पीछे में आपको एक एमसीबी मिल जाता है जो कि 30 एम्पीयर का सी सीरीज का एमसीबी। इस एमसीबी को आप देख पा रहे, ये स्विच ऑफ है। ये एमसीबी को आपको स्विच ऑफ ही रखना है, क्योंकि ये एमसीबी आप तभी ऑन करोगे जब आपका स्टेबलाइजर खराब हो जाए। यदि स्टेबलाइजर खराब हो जाता है तो उस कंडीशन में आप इसे बार बार नहीं खोल सकते हो, क्योंकि ये पहले से फिक्स किया हुआ है मेंस में। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, इसका फ्रंट का एमसीबी जो 40 एम्पीयर का था उसको बंद कर देना है। उसके बाद इसको आपको ऑन कर देना है। इससे क्या होगा, करंट बाईपास हो जाएगा, यानी कि डायरेक्टली जो करंट आएगा मेंस, वो बिना स्टेबलाइजर के आपके आउटपुट में मेंस यानी डाइवर्ट हो जाएगा, बाईपास हो जाएगा। चलिए हम इस ढक्कन को खोल के दिखाते हैं इसका क्वालिटी कैसा है, इसके अंदर का वायरिंग कैसे किया हुआ है। तो इस ढक्कन को हम खोल के आपको दिखा रहे हैं, तो इस वीडियो पर आप बने रहो। मैंने वीडियो को रोक के इसके ढक्कन को मैंने खोल लिया है, इसको अब दिखाते हैं खोल के। देखिए इसके ढक्कन को इस तरह से आपको ढक्कन को खोल लेना। इस ढक्कन पे आपको लिखा हुआ है एसी इनपुट और आउटपुट, उस तरह आपको देख लेना। उसके बाद इसमें आपको सेट करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, मैंने इस पर सेट किया हुआ है। ये न्यूट्रल वायर है, इसके साथ ही आपको ये फेज वायर यहाँ पे लगाना है इनपुट में। उसके साथ ही जस्ट बगल में आप लगाओगे आउटपुट, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आउटपुट लगा हुआ है। आउटपुट में आपको दो दो वायर मिले हुए हैं, तो आउटपुट में आप इस ढक्कन के हिसाब से, ढक्कन पे लिखा हुआ है इस हिसाब से आप लगा लोगे। देखो यहाँ पे आउटपुट इनपुट लगा हुआ है। साथ ही साथ आपको ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला आपको अर्थिंग में लगाना है, ताकि किसी तरह का यदि करंट इसके बॉडी पे आए तो आपको अर्थिंग झटका नहीं लगे करंट का। फिलहाल मैं इसे नहीं छूने वाला हूँ, क्योंकि इसमें अभी करंट ऑन है, यानी स्टार्टर रनिंग पे है, तो इसमें भी फेज में करंट है। तो मैं इसे अभी नहीं छूने वाला हूँ, दूर से ही आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे वायरिंग करना है। आप देख पा रहे हैं सबसे पहले व्हाइट वायर जो आप दो देख रहे हैं, ये फेज का वायर है यानी मेन्स का वायर है, जो कि उसकी साइड आप साइड में देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड राइट साइड में आप देख पा रहे हैं, जहाँ पे ये दिख पा रहे हैं। इसमें ये आपको आउटपुट का वायर है, जिसमें चार्जर वायर मैंने लगाया हुआ है, और यहाँ पे एक दो वायर है जो अल्मोनियम का है, इसमें लगा हुआ है इसके इनपुट पे। इस ढक्कन के हिसाब से आपको लगा लेना है एसी इनपुट और एसी आउटपुट देख देख के। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे वाले पैनल पे। इसकी वायर की क्वालिटी की बात करें या नट की क्वालिटी की बात करें, तो काफी हैवी वायरिंग है इसमें, तो इसमें किसी तरह कोई इश्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। काफी अच्छा क्वालिटी है इसके वायर का। ठीक है दोस्तों, तो हम आ चुके हैं इसके फ्रंट पैनल पे। तो हम डिस्कस करने वाले थे इसमें जो ट्रांसफार्मर है, इसमें जो ट्रांसफार्मर है आपको मिल जाएगा टोराइडल, यानी चक्के के जैसा, जैसा गाड़ी का एक चक्का होता है उस तरह का आपको ट्रांसफार्मर मिल जाएगा, टोराइडल गोल नियर। ठीक है, यदि इसके ट्रांसफार्मर की वजन की बात करें तो 20 kg से ऊपर इसका वजन है, 20 kg से ऊपर ही इसका वजन है, 20 kg से नीचे का नहीं है, क्योंकि कंपनी का भी क्लेम है 21 kg का। इसके इनसाइड की हम बात करें तो इनसाइड में आपको मिल जाएंगे चार चार रिले, एक टेम्परेचर सेंसर, एक ही साथ साथ आपको यहाँ पे एक किट मिल जाएगा जो कि माइक्रो कंट्रोलिंग किट है, जो कि इसके रिले को कंट्रोल करता है। साथ ही साथ आपको प्रोटेक्शन की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले हाई प्रोटेक्शन मिल जाएगा, यानी कि 300 से ऊपर के वोल्टेज को ये कट कर देगा, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा आपको HI हाई, यानी 300 से ऊपर के वोल्टेज पे कट हो जाएगा, और आपका जो भी लोड होगा वो इन्वर्टर पे चले जाएगा, या फिर इन्वर्टर नहीं होगा तो वो ऑटोमेटिक कट हो जाएगा, आपका स्टेबलाइजर ऑटोमेटिक उसको बंद कर देगा। उसके बाद यदि हम लो कट की बात करें तो 70 वोल्ट से नीचे के करंट को ये बंद कर देगा, यानी कि 70 वोल्ट से 1 वोल्ट भी कम होता है तो यहाँ पे फिर लिखा जाएगा LO लो, तो वोल्टेज कट हो जाएगा। तो उस तरह के करंट से आपको जो भी आउटपुट मिलेगा वो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल जीरो मिलेगा। आपके पास यदि इन्वर्टर होगा तो लोड इन्वर्टर पे चले जाएगा, ये आपके मेंस को कट कर देगा। लो कट का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि 70 पे आपको लो कट मिलेगा और 300 पे आपको हाई कट मिलेगा। यदि इसकी हम कैपेसिटी की बात करें तो ये मिनिमम 90 वोल्ट से लेकर 300 वोल्ट के बीच चलता है, यानी 90 वोल्ट पे यदि आप इसको चलाओगे तो इस पर आप जो भी लोड डालोगे तो 80 वोल्ट हो जाएगा, थोड़ा वोल्टेज लोड डालने पर वोल्टेज कम हो जाता है तो उस पर आपको चलेगा। यदि आपका 70 वोल्ट में ही आप इस पर लोड डाल देते हो तो वोल्टेज कम होगा, वो नहीं चलेगा। तो मिनिमम 90 वोल्ट पे ही इसे ये चल सकता है, उससे नीचे के वोल्ट पे इसे नहीं चला सकते हैं। इसके ट्रांसफार्मर में आपको अल्मोनियम मिलेगा या फिर कॉपर, ये अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि इसके अगले वीडियो जो मैं बनाऊंगा इसमें स्टेबलाइजर को अंदरूनी पार्ट यानी इसके इंटरनल पार्ट को खोल के दिखाऊंगा, उसमें आपको मैं क्लियर कर दूंगा इसमें अल्मोनियम है या फिर कॉपर। इस स्टेबलाइजर पर आप सभी तरह के लोड चला सकते हो, यानी कि AC चला सकते हो, फ्रिज चला सकते हो, मोटर चला सकते हो, जितनी तरह आयरन चला सकते हो, हीटर चला सकते हो, जो भी चलाना चाहते हो सारे तरह का ये लोड एक्सेप्ट करता है, मैंने चला के भी देखा हुआ है। इसकी बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगा हीटर पे, या फिर जितने भी हैवी इक्विपमेंट है जहाँ पे 1000 वाट से लगभग करंट खींचता है वहाँ पे इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। यदि आप सिंपल LED TV के लिए स्टेबलाइजर लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगाएं, क्योंकि ये काफ़ी महंगा है, तो अब इससे अच्छा सस्ता स्टेबलाइजर लगा लें। ये LED TV के लिए लगा सकते हैं लेकिन उसके लिए बेस्ट नहीं होगा ये। यदि बेस्ट इसका परफॉर्मेंस चाहते हैं तो आप मोटर पर लगाएँ, हीटर पर लगाएँ, या फिर बड़े बड़े जहाँ पर आयरन पर लगाएँ,
एसी पे लगाएं तो यहाँ स्टार्टर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, आपको वोल्टेज काफ़ी अच्छा मिलेगा, यानी कितना भी वोल्टेज कम हो जाए आपको 200 से कम वोल्टेज नहीं मिलेगा और मैक्सिमम 250 वोल्टेज मिलेगा, उससे आपका पंखा एसी काफ़ी स्पीड चलेगा, अच्छा वोल्टेज पर चलेगा। अगर आपका कोई भी कमेंट या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट को पढ़ूंगा और आपके आंसर देने का प्रयास करूंगा। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप नीचे कमेंट में बताएं, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियोज़ लाते रहता हूँ हेल्पफुल आपके लिए। तो ठीक है दोस्तों, आगे जो भी बात करेंगे अगले वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो अगले वीडियो में बात करते हैं। तो तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।